अस्सलाम वालेकुम, मैं हाँ नादिया तुसली लिखे हो यूट्यूब चैनल नादिया इमरान फैमिली। उम्मीद करें कि तुम सब ठीक हो, सो खैर खरीत ना लो, सो अल्लाह तब सबको अपने जमाने से रखे, आमीन। अज्ज दी रूटीन जिहड़ी है करना शेयर करो, सो अज्ज दा व्लॉग जिहड़ा है सारा उन्हें रूटीन जिहड़ी करना शेयर करो। ते अज्ज मैं आई हुई हूँ हम टी टाइम कॉलर आईब्रो बनवाण, क्योंकि मेरे भतीजे की सालगिरह है, अज खैर साल का थी भी है। तुम सब भी उनके दुआ कराए कि अल्लाह सेहत आई अफियत आई तो खैर आई लंबी जिंदगी का सब्जी पता करें ने टमाटर भाई टमाटर मिल रहे सन किलो टमाटर दे दो नाल ये सब चिकन कीते वन के जी चिकन है नाल दही कीती है एहन भिंडियां करेले बैंगन मिर्च तूरी कद्दू अरबी खीरा ते हर घर दी शान आलू असा गिनदे पे हैं टमाटर स टमाटर गिन गिदे किलो मिर्च के सारे प्याज लेने पे हैं डेढ़ किलो प्याज 100 रुपए दी अदरक ले लो ते पाओ सब्ज मिर्चा दा ले लो क्या रेट है 50 रुपए ते लहसुन अच्छा लहसुन 100 रुपए पाओ ते टमाटर 120 अच्छा जी ए सब्जी दे रेट जेडे असन गिदन हां शिमला मिर्च ते क्या रेट है 50 रुपए पाओ जी सब्जी असन गिन गिदी है ते घर चल दे आज जड़ी डिश बनावनी होता नाल शेयर करें ने। जी हुण असां घर विंदे पे ये सब्जी असां कीती है सारी तक लिखेने हैं ये सब्जी असां कितने दी कीती है रेट तक असां लिखवा दिते क्या रेट है ना जी मैं घर वापस आ गई हां आईब्रो बनवाएं ते तक दसाई के साथ गिरा देवने वाले रास्ते जो चीजें कीते नान कीते मिर्चियां कीते रोटी कीते नाल ये दही फुल्की कीती है 100 रुपए दी चने के दही बड़े की दिन बच्चे ने नाश्ते का सामान की दिया क्योंकि आजकल जरा स्कूल की छुट्टियां हैं स्कूल खोल वैसन इन्होंने बच्चों की रूटीन थोड़ा डिस्टर्ब है देर ना बच्चन इन अलावा ये सब्जी की दी है तब रेट भी इतना दसन के क्या क्या रेट है असा किलो टमाटर पाओ लहसुन डेढ़ किलो सब क्या प्याज थी क्या पाओ की दी शिमला मिर्च फिर पाओ की दिन मिर्चियाँ ਸਿੱਟੀ ਸਬਜ਼ੀ ਦਾ ਸਾਰਾ ਲੱਗੀ ਹੈ 480 ਰੁਪਏ ਤੇ ਨਾਸ਼ਤੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਡਾ ਲੱਗੀ ਹੈ ਤਕਰੀਬਨ 300 ਰੁਪਏ ਤੇ ਇੰਟਰਸਟੇ ਚ ਵਾਲੀ ਘੀ ਵੀ ਦੇ ਤੋਂ ਪਤਾ ਹੈ ਇਹ ਤੇ ਅੱਜਕੱਲ ਮਤਲਬ ਬਹੁਤ ਮਹਿੰਗਾ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਇਕੱਠਾ ਘੀ ਵੀ ਰੱਖੋ ਤਾਂ ਬਰਕਤ ਕਹਿ ਨਹੀਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਕੋ ਅਲੱਗ ਵੀ ਘਿਨਣਾ ਪੈ ਵੇਂਦੇ ਕਿਲੋ ਘਿਓ ਵੀ ਦੇ ਸੇ ਡਾਲਡਾ ਦਾ ਇਹਦੇ ਇਲਾਵਾ ਨਾਲ ਵਾਲੀ ਕਿਲੋ ਦੀ ਥਾਈ ਕੋਈ ਅੱਜ ਅਸਾਂ ਜਿਹੜੀ ਰੈਸਪੀ ਬਣਾਉਂਦੇ ਪਏ ਹਾਂ उन्हें बेच जड़े टमाटर पौने ज्यादा चस्सी कढ़ाई बने सो उन्हें भी तुम्हारे नाल रेसिपी शेयर करे सो बहुत ज्यादा तो मेरे को नहीं आता मैं कोई एडी वीडी कुक कोई नहीं घर जो भी जितनी मैं कुकिंग करेंगी या मेरी कोशिश होगी मैं अपने सारे बीनी नाल जड़िया मेरी बच्चियाँ शौकीन हैं कुकिंग दिया थोड़ा जहाँ उन्हें नाल भी शेयर करा तो इन शाला जी भी चस्सी कढ़ाई बने ने तो शेयर करें मैं हूँ चढ़ाया हुआ कीमा ब्रेक मैं ब्रेक रेसिपी है मेरी चिकन चरसी कढ़ाई दी ते वही है कीमा शिमला मिर्च दी मतलब कीमा मैं अपने मियाँ साहब की बड़े नहीं पियाँ क्योंकि वह चरसी कढ़ाई में टमाटर ज़्यादा ऐड थी मैं तो ज़्यादा टमाटर आला ना खा सन ये मैं हूँ कढ़ाई इन्हें कितने कीमे कितने टमाटर कटे निकलियाँ नज़दीक को जरा आशा दिखाओ जी जी मैं इन्हें विच कीमा पा छोड़ाई ते ना ही डेढ़ पे विच बारीक बारीक प्याज ते सब्ज मिर्चियां डू एक छोटा डेढ़ा प्याज पाते क्योंकि ए पाव डेढ़ा कीमा है ए हल्दी है ए भी मैं चुटकी खानी ही पे देती हूँ वीडियो शायद तक मेरा ये चम्मच बहुत बड़ा नजर आता उसी लेकिन ये बहुत छोटा चम्मच है हाँ जी ए खुश्क धनिया पिसा होया ये मैं भरा होया चम्मच के साथ क्योंकि अच्छा भी लगते साला ने खुशबू भी अच्छी दें दे मैं डेढ़ चम्मच भर देना जी
साले ऐसा पाग दिन हाँ शेर ऐसा घर की दिए इन दफा जरा मैं थोड़ा ये ब्राह्मण दी भैया जरा इन लुक दिखाओ जी इसमें इनमें सब कुछ मेरे पास हो रहे इनकी आंच कम करे सा बस इतनी आंच करे सु उन्हें बाद इको सा ढाम दे सु असा ये ढाम छोड़े ते जिवें ही ये जरा अपने पानी है थोड़ा गल वसी वाल असा इन विच हसबे जरूरत पानी पे सु खाली जरा इको इन अपने पानी गलण लेने उन्हें बाद असा बने ने जर्सी कढ़ाई उनकी रेसिपी भी तुम शेयर करे सु जब तक असा उनके सारे इनग्रीडियंट्स तैयार कर दिए जी कीमा सब मुझे तेरे सामने चढ़ाए इन असा प्याज अदरक लहसुन सब्ज मिर्च बारीक बारीक करके वो सड़ी असिंद ही पानी इस गलन दी खड़ा दिता ही मिर्च मसाले पा के हम देखो माशाला पानी उनका खुश पी गए तो मैं हसबे जरूरत इन जितना ऑयल पाना चाहिए मैं बस उतना पा छोड़े हूँ मेरे को थोड़ा जहाँ भुने लिखनियाँ जिमें जरा भुनी वैसी इन स्मैल मतलब कि हट वैसी गल मैं इन हसबे जरूरत पानी भर के मजीद गलन दीते खड़ा दिता अगर भी जड़ी इंदा है तो भी काकू रेसिपी दिसने करनी शेयर करें करना जरूर कीमा जड़ा सा चढ़ाया ही उन्हें बच मैं पानी पा दिता ते हुण इहदी माशाला लुक देखो कीमा गला भी खड़े माशाला ना थोड़ी सी जी आंच उच्ची करके थोड़ी ते असीं इक भुनगिन सो इतनी देर च असीं देखो इन ते चढ़ाए 2 कटोरी डेढ़ घी ठीक है तकरीबन मेरे को लगता है आधा किलो थी वैसी आधा किलो डेढ़ घी चढ़ाए असा इको गरम करते घ्यू को ये सारे को एक किलो डेढ़ चिकन असा बने दे पे हैं चरसी कढ़ाई अपनी एक सहेली दी भरपूर फरमाइश थे ते मैं उम्मीद करे सा वो भी मेरे वीडियो को व्लॉग को जरूर देते पे होते हैं उन्होंने फरमाइश से मैं चरसी कढ़ाई बने दी पाया मेरे को बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस कोई नहीं इन्हें लेकिन उन्होंने पुरजोर फरमाइश से मैं तैयार करनी पी हाँ कोई कमी पेशी हो तो माजरत अगर कोई कमी पेशी रह गई हो तो कॉमेंट्स में मेरे को जरूर दिसे सो तो 1 किलो गोश्त है मुर्गी का असा हम इन पीने घी बिस्मिल्लाह नमक पा रहे नमक असा पहले ही ऐड करना है घी दे विच देखी मैं बोल रही हूं हसबी जरूरत नमक पेस मैं फिलहाल हाली 1/2 चम्मच पा के नमक दा हूँ इको फ्राई कर दी मैं गोश्त गोश्त असा तब तक फ्राई करने जब तक इनका कलर गोल्डन नहीं थी मिलना नाल ही ऐसा है कीमा भुने दे खड़े आते कीमा भुने तो नाल ही ऐसा इधर एक ही चम्मच बराबर इधर से काटे सारे सारा जड़ा गोल से और बराबर गोल्डन की तरह है
ਤੇ ਗੋਸ਼ ਸਾਰਾ ਫਰਾਈ ਕੀ ਨਾ ਖੜੇ ਤੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਅਸਾਂ ਕੀਮਾ ਵੀ ਭੁਨੇ ਦੇ ਖੜੇ ਆ ਕੀਮਾ ਭੁਨੇ ਨੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਲ ਸ਼ਿਮਲਾ ਮਿਰਚ ਪੈਨੇ ਆ ਕੀਮਾ ਸਾਰਾ ਭੁਨੀ ਗਏ ਤੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਅੱਧਾ ਸ਼ਿਮਲਾ ਮਿਰਚ ਕੱਟੀ ਆਈ जी माशाल्लाह जी हाली भी वाइट है जब तक ये गोल्डन नहीं थींदा तब तक करता है बुने सू ताकि ये गोल्डन थी उन्हें गोल्डन थी वे सी वालों के बाद देखो मैं था 1 kg मेरे को चिकन आई मैं 7 अदर था टमाटर कट के रखे बगैर छिलके दे ये मैं सटे था एक धाम पे खड़े था उनके बाद वाले जो वाले मेरे टमाटर नरम थी वे संगुली वे सन वाले मैं मेरे चिनार ही गोल कटी हुई सब मिर्ची पा रहे था ਤੇ ਉਹ ਭੁੰਨਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਬੂ ਮਿਰਚ ਲੰਬੀ ਕੱਟੀ ਹੋਈ ਤੇ ਅਦਰਕ ਇਹ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਕਮ ਸਪਾਈਸ ਵਿੱਚ ਮਤਲਬ ਕਿ ਬਾਕੀ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਲਾਲ ਮਸਾਲਾ ਨਾ ਹਲਦੀ ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਪਈ ਸ਼ਾਇਦ ਬਸ ਇਹ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਦੇਖੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਕਰ ਲੈ ਕੇ ਆ ਗਈ माशाल्लाह इन्हें भी शिमला मिर्च भी इतनी प्यारी भीनी जी खुशबू आनी चाहिए नाल ही जैसे इतों थोड़े जहा इन्हें अदरक पा रही हूँ कुछ सारी मिर्चा पा रही हूँ ये बाद जो है कि भूनी जी लुक ले दे पे होंगी माशाल्लाह इतनी प्यारी है ये तकरीबन तैयार है बस सही को हम ढाम के खड़ा रहे हूँ ये सारा सालन तैयार है हल्की आंच से खड़े रहना है ताकि थोड़ी जी अगर कोई कसर है कीमे में तो हल्की आंच पर पूरी नहीं है एक सालन सारा रेडी है हूँ अस आपका पूरा टाइम जैसी चिकन को कढ़ाई के लिए जी इन्हें भी हूँ अस आंच उच्ची कर गिने ताकि सारा चिकन जरा है अच्छी तरह गोल्डन थी बने जी थोड़े सामने इतने ऑयल करता से घी तो उनके जिते भी माशाला सारा चिकन कितना प्यारे कलर का थी गए इवें ही को गोल्डन कर गिनने बस कोशिश कर रोटी ना टूटे हम अस आंच कर गिने घी भी क्योंकि सब जितना गोश्त गोल्डन करना है वो अस कर गिने से जी हम अस इतना जेडे टमाटर कट के रखे से ना असा वो उत्ते रख दिने इंदे विच ज़्यादातर टमाटर ही इस्तेमाल किए बाकी इंदे विच कोई मेरा भी वो नहीं पौंदा ना प्याज ना अदरक बहुत लोग पेंदे होते हैं लेकिन मैं कह नहीं पा पेंदी जी टमाटर असा पा गए दिन हूँ असा एक हल्की आंच पर दम दे दस ताकि टमाटर का जरा छिलका है जरा असा नहीं लहाया वो इनकी भाप ना ही नरम थी वे तो वाले असा लहा गई सो वाले असा हिना टमाटर को बेच मैश कर गई सूँ अगर ना जितना भी इनका प्रोसीजर है चस्सी कढ़ाई का उतना शेयर करे सो सर ना होगा असा टमाटर पाते हैं तो इनको दम पर खड़ा दिता है ताकि टमाटर जड़े हैं और नरम थी वन इनका छिलका लहा सकू देते हैं माशाल्लाह तैयार थे खड़े हाँ जी जी ये असा टमाटर का छिलका वाले सामने लहा के दे उनके बाद ये जरा टमाटर हैं असा एक मैं अच्छी तरह इन्हों को मैश कर दी दे और जड़ी मैं गोल मक्खियां कटिया हैं सारिया वह भी मैं लुक पा गई हूँ मैं एक भूंगी अच्छी तरह ताकि मेरे टमाटर में जी
कसर है वो भी खत्म हुई है। टमाटर तकरीबन ही मेरे छेड़े हैं मैच ठीक है, माशाल्लाह ग्रेवी भी तैयार है, ये दे पाओ माशाल्लाह गोटियाँ भी साबित ही खड़ी हैं। आलू ऐसे कुछ नहीं है ताकि मेरे जी चक्कर है मजीद जी बेहतर थी। थोड़ा जहाँ से नमक पे क्योंकि मैं हुए टेस्ट कितने थोड़ा जी नमक की जरूरत है। मैं थोड़ा जहाँ उसकी जरूरत काली मिर्च पेंदी पी हाँ क्योंकि ये खाने को जरा हजम भी करेंगे इनका टेस्ट अच्छा लगता है। थोड़ी जी ही बाकी है मैं काली मर्जी है, अगर उसका पावना चावल का ठीक ना पावना चावल तो स्किप कर सकते हैं जी। माशाल्लाह कलर दे दे जाओ उसके कट करना जी। माशाल्लाह लुकड़ी को सारी कढ़ाई दी चरसी कढ़ाई दी इन्दे विच घी बस जेड़ा सा पहले गतेने है ना वो काफ़ी सारा होंगे एक फ्राई करन गिते वो कढ़ना पौधे जेड़ा अच्छा सारा घी पाता है ना असल दे विच कट गिदा है सिर्फ असल जरूरत दा कढ़ाई एक चम्मच जिन्हें विच असें एक भोनी दिती है ते मच्छियां वगैरह पाते ते हुण माशाल्लाह सारी कढ़ाई बिल्कुल रेडी है। हुण ये असल जेड़े सब मिर्चियां लंबे कटे हैं वो भी ते ए अदरक भी नहीं पाए सो इसमें जी दे दे पे आओ माशाल्लाह सारी कढ़ाई की लुक थोड़ा करीब को दिखाओ ये तो सर इनकी लुक देख सकते हो माशाल्लाह ये देखो इनकी बहुत ही प्यारी लुक के कढ़ाई दी ते इंशाल्लाह तुसा बने सो तक अच्छी लगसी ते हुण असां एक कढ़ाई बिल्कुल रेडी थी चुकी है असां ढक्कन लेके ते हुण आग करने से बंद ते ये तो आपको हुण डिश आउट करके दिखेने हैं सारे नाल सारी चरसी जिहड़ी कढ़ाई है वह तैयार थी गई है। मतलब इन चरस तो नहीं खत्म मनी हुंदी लेकिन जिहड़ा टमाटर का टेस्ट है ना वह मतलब कि खटास एक जायका उन्हें मज़ेदार उन्हें शायद हिसाब ना ना करे उसकी चरसी कढ़ाई तो मैं आखिया अपने तमाम यूट्यूबर्स को अपनी कढ़ाई दे लुक दिखावा माशाल्लाह लुक बहुत प्यारी आई है बहुत ही खूबसूरत टेस्ट भी मैं कितने थोड़ा जहाँ टेस्ट भी बहुत अच्छा है ते मेरी उस सहेली खासकर जिन्होंने मेरे पुरजोर फरमाइश की है चरसी कढ़ाई दी ते ए जी मैं तारी फरमाइश पर बनाई है आओ मोस्ट वेलकम टेस्ट भी करो तो मेरे को सैर जरूर कॉमेंट्स के तो कुछ चरसी कढ़ाई किमें लगी है जिम्मे मैं बनाई है जी रेसिपी नाल मेरे को तो इन्हें ही डाल रहा है मेरे को नहीं पता ओरिजिनल किमें है चरसी कढ़ाई लेकिन मेरे नज़दीक मैं जरा है मेरे को रेसिपी मैं बनाई हाँ जी अज के सारे दिन की जी रूटीन है सतान शेयर की है पॉलर गए हैं बाद जरा सारा दिन अपने घर के कम की रूटीन है वह भी सालगिरह ते गई हाँ उत्थ थोड़ा जहाँ ही मैं व्लॉग बना सकी हाँ ज़्यादा नहीं बना सकी क्योंकि रश बहुत ज़्यादा ही तो उन्होंने गर्मी बहुत शदीद है जिन्हें नाल बड़ा बुरा हालत थी है सारी तो जितनी भी बन सकी है बस इतनी ही है तो उम्मीद करिए तो मेरी आज की वीडियो अच्छी लगी चरसी कढ़ाई बनाई है चिकन चरसी कढ़ाई वह भी उम्मीद है तो अच्छी लगी उसी तो तुसा भी जरूर बनाया बहुत ही आसान है तो अगर उन्हें कोई मेरे को कमी पेशी थी हो मेरे को लाजमी कमेंट्स आके दसो कि भाई मेरे को क्या उन्हें रेसिपी कमी थी है ताकि मैं आइंदा नेक्स्ट सुधार सका ते ना मेरे वीडियो अच्छी लगी हो लाइक करया चा अगर बहुत अच्छी लगी हो ज़्यादा तो ज़्यादा सब्सक्राइब करया ते मेरे ना चैनल को शेयर जरूर किया करो ब्राय मेहरबानी जेड़े जेड़े भी दे रहे सब ते मेरे को मेरी फैमिली को आपने दुआवें याद रखे अल्लाह तआला सबको भी खुश रखे आबाद रखे हंसते रहो वसते रहो अस्सलाम वालेकुम।